सर्कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यस तो सर, सर्कल, सर्कल अभी सबको रिकॉल हो गया होगा कि सर्कल होता क्या है। यस सर, तो सर्कल में सबसे पहला जो मेथड आता है हमारा, वो आता है सेंटर विथ रेडियस। क्या आता है? सेंटर विथ रेडियस। इसमें क्या होता है, वी क्रिएट अ सर्कल यूजिंग अ सेंटर पॉइंट एंड रेडियस। हम सर्कल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ, एक हमें सेंटर पॉइंट चाहिए और दूसरा हमें क्या चाहिए, रेडियस, राइट। तो सर्कल की शॉर्टकट की होती है सी एंटर। क्या होती है? सी एंटर। तो आप यहाँ कमांड विंडो में क्या टाइप करेंगे, सी, और एंटर मार देंगे। तो देखिए क्या कमांड विंडो में क्या लिखा रहा है, कि आपने सर्कल चूज किया है और स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट फॉर द सर्कल। क्या मांग रहा है? स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट। यस। और ब्रैकेट में आगे कुछ और भी ऑप्शन लिखे हैं, जैसे 3P, 2P, TTR, राइट। तो ठीक है, अभी हम फर्स्ट मेथड कौन सा कर रहे हैं, सेंटर एंड रेडियस। तो सेंटर रेडियस के लिए हमें सेंटर पॉइंट तो देना ही पड़ेगा। यस सर। तो हम कहां पे क्लिक कर दें, यहां पे क्लिक कर दूं या 0.0 दे दूं? 0.0 दे दीजिए। कुछ भी कर सकते हो, या तो आप यहां पे क्लिक कर दो कहीं पे भी, या फिर आप सीधे क्या दे दो उसमें, 0.0 और एंटर मार दो। तो देखिए मेरा सेंटर पॉइंट फिक्स हो गया 0.0 पे। यस सर। अब देखो नीचे क्या लिखा आ रहा है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और डायमीटर, और डायमीटर। लेकिन हमने मेथड कौन सा चूज किया है, अभी रेडियस वाला। तो अभी हम रेडियस की ही बात करेंगे। तो इसमें हमें क्या देना है, रेडियस। यस सर। तो आप सीधे इसमें जितना भी आपको रेडियस चाहिए उतना रेडियस दे दो। जैसे कि आपको 15 चाहिए तो 15 एंटर करो, टैप करो और एंटर मार दो। तो देखो ये आपका 15 रेडियस का सर्कल बन गया, राइट। यस सर। ओके, तो ये था आपका पहला मेथड, कौन सा, सेंटर विद रेडियस। इसमें किसी को डाउट, सीधे हमें सेंटर पॉइंट लेना है और क्या दे देना है, रेडियस। बड़ा सिंपल सा मेथड है ये। अब दूसरा मेथड इसमें आता है आपका सेंटर विद डायमीटर। मान लो कि अब आपको रेडियस नहीं पता है, डायमीटर दिया गया है आपकी ड्राइंग में, राइट। तो आप क्या चूज करोगे, सेंटर विद डायमीटर और सिर्फ आप या तो आप यहां से चूज कर लो। देखो पहला मेथड आपका सेंटर रेडियस था और दूसरा क्या है, सेंटर डायमीटर। और या फिर आप यहां से ना ले हो, तो आप क्या करो, कमांड विंडो में क्या कर दो, सी एंटर। फिर से देखो आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, क्योंकि हमें डायमीटर के साथ भी सेंटर पॉइंट चाहिए। कमांड का नाम क्या है, देखो सेंटर विद डायमीटर। तो हमें इन दोनों केसेस में सेंटर पॉइंट तो पहले देना ही पड़ेगा ना। जी सर। तो इस बार मैं यहां पे क्लिक कर दूं सेंटर पॉइंट, मैंने यहां क्लिक कर दिया देखो बाय द माउस। अब देखो आप नीचे फिर से क्या मांग रहा है, वो रेडियस। लेकिन हमें रेडियस तो देना नहीं है, हमें क्या देना है, डायमीटर। डायमीटर, तो डायमीटर के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, डी एंटर। क्या करेंगे, डी एंटर। तो डी एंटर करने के लिए आपने डी एंटर कर दिया, अब क्या मांग रहा है वो आपसे, डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो आप इसमें कोई भी ये तो अभी ब्रैकेट में दिखा भी रहा है वैल्यू 30 दिखा रहा है, क्यों, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लास्ट सर्कल। यस, अकॉर्डिंग टू लास्ट सर्कल, क्योंकि हमने पिछले वाले सर्कल का रेडियस कितना दिया था, 15, और 15 का डबल क्या हो जाता है, 30। डायमीटर जो होता है हमारे रेडियस का डबल होता है कि नहीं, डबल होता है, हाँ जी। तो उस हिसाब से हमारा 30 हो गया। लेकिन आप वो तो चलो ठीक है, वो तो पिछले वाले सर्कल का था, अभी आप करंट सर्कल के लिए कितना देना चाहते हो वैल्यू,
40 दे दो, yes, 40, yes, और एंटर मार दो. तो देखिए ये 40 डायमीटर का आपका सर्कल बन गया. इसका रेडियस कितना होगा? 20. तो इससे आप इस तरह से सर्कल बना सकते हो दोनों मेथड से. पहला मेथड है आपका कौन सा? सेंटर विद रेडियस. और दूसरा है आपका सेंटर विद डायमीटर. सेंटर विद डायमीटर, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. आगे आपका ऑप्शन आता है 2P मेथड. कौन सा मेथड आता है? 2P मेथड, टू पॉइंट मेथड. तो इसमें मुझे एक चीज बताओ कि हमारे दो पॉइंट कौन से हो सकते हैं जिससे हमारा सर्कल बन जाए? सर, डायमीटर के दो एंड हो. वाह राज, वेरी गुड यार. सुजीत, क्या ये सही बोल रहे हैं? हाँ सही बोल रहे हैं. तुषार, ये भी हो सकता है. सर, सेंटर सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट हो तो भी बन सकता है. सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट या सेंटर, सेंटर और सर्कमफेरेंस के पॉइंट? सेंटर और सर्कमफेरेंस का एक पॉइंट सेंटर और दूसरा पॉइंट सर्कमफेरेंस का, ये भी हो सकते हैं. और कोई भी दो पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस. कोई भी दो पॉइंट लोगे तो उसका स्पेसिफिक कैसे बनेगा भाई? और सबसे पहली बात, हमें सेंटर पॉइंट डायमीटर का इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो हो जाएगा ना सर? नहीं होगा. क्योंकि अगर आप सेंटर पॉइंट लेते हो, डायमीटर का इनिशियल और फाइनल पॉइंट. ठीक है जावेद, एक मिनट रुको, मुझे समझाने तो दो. उसका सेंटर पॉइंट आप ले नहीं सकते, क्योंकि अगर सेंटर पॉइंट लोगे तो वो तो रेडियस वाला मेथड हो गया ना, फर्स्ट वाला सेंटर विद रेडियस. तो हमें 2P पॉइंट लेने का क्या मतलब हुआ? तो 2 पॉइंट जो होते हैं, जैसे कि राज ने कहा और जावेद ने कहा कि हमारे डायमीटर के एंड पॉइंट्स होंगे वो, ठीक है जी. तो आप क्या करो, देखो इसका एग्जांपल देखो. अगर आपके पास में कोई लाइन है, इस तरह से लाइन है, और जिसका डिस्टेंस आपको पता है कितना, 5050 दिया हुआ है, ठीक है, 5050 दिया हुआ है. और आप इस लाइन को एज अ डायमीटर कंसीडर करके आप बनाना चाहते हो, ठीक है? यस सर. आप इस लाइन को एज अ डायमीटर कंसीडर करके एक सर्कल बनाना चाहते हो, एम आई राइट? समझ में आया मेरा क्वेश्चन क्या है? नजर आ रहा है. तो हमारे पास में कौन सा मेथड बचता है? आपने सी एंटर किया, और यहां से क्या लेंगे हम? 2P. Yes, sir. इस बार हम सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई नहीं करेंगे. सी एंटर करने के बाद में सीधे हम क्या कर देंगे? 2P लिख करके एंटर कर देंगे. एंटर कर देंगे. अब देखो क्या आ रहा है, स्पेसिफाई द फर्स्ट एंड पॉइंट. तो आपका फर्स्ट एंड पॉइंट कौन सा है? ये वाला. आप इस पे क्लिक कर दो. और दूसरा वाला कौन सा है? ये. इस पे क्लिक कर दो. तो देखो बन गया. अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका. अगर मान लो कि आपके पास में दो पैरेलल लाइन है इस तरह से, ठीक है, क्या आपको पता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? नहीं. अगर आप फाइंड कर सकते हैं कितना होगा? जी सर, पता कर सकते हैं सर. बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपका काम बढ़ जाएगा सर्कल बना के. लेकिन अगर मुझे इन दोनों के बीच में सर्कल बनाना है, तो अगर अब तक जो हमने मेथड पढ़े हैं, सेंटर विथ रेडियस और सेंटर विथ डायमीटर, उससे क्या होगा कि सबसे पहले मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा दोनों के बीच में. पहले तो पूरा डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर सेंटर पॉइंट और रेडियस आपको देना पड़ेगा. लेकिन अगर आप 2P की हेल्प से करते हो, तो देखिए कितनी आसानी से आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो. टू पॉइंट मेथड लो, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दो और सेकंड पॉइंट आप यहाँ दो. देखो कितना इजीली बन गया आपको. तो हमें इसीलिए इतने सारे मेथड दिए होते हैं सर्कल के. 6 मेथड है हमारे पास सर्कल के, और हमने अब तक कितने पढ़ लिए?
तीन सेंटर विथ रेडियस, सेंटर विथ डायमीटर और टू पॉइंट मेथड। आप लोग कॉपी लेके नोट तो कर रहे होंगे आई थिंक। यस सर, मैं नोट कर रहा हूं। इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं आप सभी से। जरूर yes, और अगर कुछ छूट भी जाए तो वीडियो से देख देख करके नोट कर लेना। मैं आपको इसीलिए हर एक क्लास का वीडियो सेंड करता हूँ। राइट यस। और कुछ समझ में ना आए तो तुरंत की तुरंत पूछ लिया करो। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे अगला मेथड है आपका थ्री पॉइंट मेथड। क्या है? थ्री पॉइंट मेथड। तो थ्री पॉइंट मेथड में आपके पास में कौन से तीन पॉइंट होने चाहिए? सर यही डायमीटर ही पूरा होना चाहिए सर। फर्स्ट एंड, लास्ट एंड और सेंटर, या फिर फर्स्ट एंड, लास्ट एंड और सर एक सर्कमफेरेंस पे सर परपेंडिकुलर का। नहीं सर, नहीं सर जी नहीं, कोई भी तीन मिल जाएंगे सर। सर्कमफेरेंस पर तीन होंगे सर, कौन सा कोई भी तीन पॉइंट। वेरी गुड तुषार। तुषार ने बहुत अच्छा आंसर दिया है कि हमारे सर्कमफेरेंस पे कोई भी तीन पॉइंट होने चाहिए। ठीक है रामेश्वर, जो आप कह रहे थे पहले कि भाई दो पॉइंट होने चाहिए सर्कमफेरेंस के, नहीं हम 3P में वो कंडीशन यूज करेंगे जिसमें हमारे तीनों पॉइंट क्या होंगे, सर्कमफेरेंस पे होंगे। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए वो तीन पॉइंट कहाँ कहाँ पे हैं जहां से हमारा सर्कल पास होगा, मतलब कि वहां से गुजरेगा। बात आई समझ में कि नहीं? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ये आपने एक ट्रायंगल बनाया, ये आपका एक ट्रायंगल है। अब आपके पास कंडीशन ये है कि आप अपना सर्कल जो भी बना रहे हैं वो इसके इस कॉर्नर पॉइंटों से होते हुए जाना चाहिए। कंडीशन समझ में आई? यस सर आई। क्या आप इसको सेंटर रेडियस से बना सकते थे? नहीं। क्या सेंटर डायमीटर से? नहीं। या टू पी मेथड से? नहीं से। तो आपको यहाँ से कौन सा मेथड चूज करना पड़ेगा? 3.3 करना पड़ेगा। या फिर आप क्या करेंगे, सी एंटर, और 3P के लिए क्या करेंगे, 3 और पी टैप करके एंटर मार देंगे। अब देखो क्या बोल रहा है आपसे, फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल, तो आप फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक कर दो। अब देखो सेकंड पॉइंट मांग रहा है, सेकंड पॉइंट पे क्लिक कर दो। तो जैसे ही आप सेकंड पॉइंट पे क्लिक करोगे तो आपको सर्कल दिखने लगेगा, और थर्ड पॉइंट पे ले जाके क्लिक कर दो। तो इस तरह से आपका देखो सर्कल इतना इजीली तरीके से बन गया। राइट अच्छा ठीक है, एक कंडीशन और लेते हैं। यहां से मैंने एक सर्कल ये बना दिया, एक सर्कल ये बना दिया और एक सर्कल ये बना दिया। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो चौथा सर्कल बने वो इन तीनों को टच करते बने, नहीं इन तीनों के सेंटर से होते हुए जाए। टच करने वाली कंडीशन तो आगे आएगी, अभी तो सिर्फ मुझे इसके सेंटर पॉइंट से पास कराना है। तो यहाँ से कौन सा मेथड लूंगा मैं, 3 पॉइंट। यस सर 3 पॉइंट, और इसके सेंटर पॉइंट्स पे क्लिक करता जाऊंगा मैं। इनके सेंटर पॉइंट का अपने आप स्पेसिफाई हो जाएंगे? हाँ जी, उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए आपको ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला जो स्नैप कर्सर है इसको ऑन करना पड़ेगा। और ऑन के साथ साथ आप इस पर राइट क्लिक करके सेटिंग में जाएंगे तो ये सारे पॉइंट चेक होने चाहिए आपके। अगर देखो इसमें से सेंटर पॉइंट आपका चेक नहीं है तो आपको सर्कल का सेंटर पॉइंट शो नहीं करेगा। तो ये हमेशा याद रखना सर, ट्रायंगल का भी ऐसे शो होगा फिर सेंटर पॉइंट? ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट हाँ शो कर देगा, लेकिन अगर आप लाइन से बनाओगे तो नहीं करेगा। उसके लिए आगे कमांड आएंगे तभी शो करेगा, वरना नहीं करेगा। जैसे आप चाहोगे इसका सेंटर पॉइंट शो कर दे, नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका लाइन से बनाया हुआ है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नहीं है इसमें। जी सर।
तो ठीक है, जो स्पेसिफाइड ट्रायंगल से जो स्पेसिफाई करेंगे जो प्रॉपर्टी होगी ट्रायंगल की तभी शो करेंगे हम ट्रायंगल ऑर्डर नॉट ट्रायंगल कमांड की बात करेंगे तभी वो सारी प्रॉपर्टीज शो होंगी इसमें। बिल्कुल, आप इसको ओके कर दो। ये कैसे करना है पता लग गया ना आपको, ये यहाँ पे ऑन करना है और इसकी शॉर्टकट की F3 होती है और राइट क्लिक करके सेटिंग में जा करके सिलेक्ट ऑल कर लेना। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये आपको 3P मेथड भी समझ में आया? यस सर। ओके, नाउ अगला मेथड है आपका TTR, टेंजेंट रेडियस। यस, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, फुल फॉर्म होती है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। मेथड क्या है? TTR, शॉर्टकट की क्या है? TTR, और वैसे फुल फॉर्म है इसकी टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। बढ़े आगे। हाँ जी, अच्छा उसमें देखो आपको जैसे मैंने TTR में दो बार T आ रहा है तो इसका मतलब आपको कितनी टेंजेंट चाहिएगी? दो, दो टेंजेंट। तो ये हमारा इसमें से एक लाइन रीड कर दूं तो दो टेंजेंट आ गए हमारे पास, दो लाइन है ये। जी सर। तो क्या मैं इनको टेंजेंट बना सकता हूँ? क्यों नहीं सर। सबको पता है टेंजेंट होता क्या है? जी सर। यस सर। सर्कमफेरेंस के किसी एक पॉइंट से होकर गुजरता है सर, सेंटर से इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है। वेरी गुड। कोई ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि टेंजेंट क्या होती है तो बिना झिझक किए पूछ लेना अभी। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे सर्कल से टच करते हुए जाएगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो वो ऑब्जेक्ट हमारे सर्कल के लिए टेंजेंट कहलाता है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ये आता है, क्या एक सर्कल दूसरे सर्कल के टेंजेंट होता हो सकता है? जरूर सर, हो सकता है। वेरी गुड। तो यहाँ से देखिए हमने कौन सा मेथड लिया, TTR, क्लिक करो। अब देखो क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो आप क्या करेंगे, लाइन पे कहीं पे भी क्लिक कर दो, कहीं पे भी, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कर रहा हूं, देखो ऊपर। और अब बोल रहा है देखो स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड टेंजेंट, तो सेकंड टेंजेंट मेरा ये है तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए मेरे। अब देखो क्या मांग रहा है आपको, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो जो हमारा टेंजेंट पॉइंट है कहाँ बनेगा, कोई आइडिया है? ठीक है, पहले रेडियस के अनुसार बनेगा सर। बिल्कुल, मैं रेडियस उसमें कितना देता हूँ, 40 दे दो। जी सर, दे दीजिए। 40 दे देता हूँ। और देखिए मैंने टेंजेंट के लिए एक पॉइंट यहाँ दिया था, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ दिया था, लेकिन ये दोनों जगह में से कहीं से भी टेंजेंट बन के नहीं आया, कहीं तीसरी जगह से ही टेंजेंट बन के आया है, क्योंकि वो आपके रेडियस की कंडीशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? रेडियस के डिपेंड, रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर इसी में आप फिर से कोई भी दो टेंजेंट पॉइंट ले लिए और इस बार रेडियस मैं दे देता हूँ 120, तो देखो बड़ा सर्कल बन गया। और इवन अगर आप देखोगे तो ये लाइन तो हमारी टच भी नहीं कर रही है उसको, क्यों? क्योंकि आपने रेडियस इतना ज्यादा दे दिया है कि उसकी वो लेंथ कम पड़ गई। लेकिन इसी डायरेक्शन में अगर इस लाइन को आप एक्सटेंड करोगे तो ये कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे जाकर के टेंजेंट ही बनेगी सर्कल पे। ये देखो, ठीक है। यस सर। तो ये TTR मेथड क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ किस तरह से दो सर्कल्स के बीच में आप इसको बना सकते हो टेंजेंट मेथड को। अब जैसे कि आपके पास में
ये दो दो सर्कल है आपके, इन दोनों को कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? Yes, और हमने सी एंटर किया, और क्या करेंगे? टी टी आर एंटर। तो आप एक चीज देखो, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन द फर्स्ट टेंजेंट, हमारा ये सर्कल हो गया और दूसरा ये सर्कल हो गया। अब इसमें रेडियस मैं दे रहा हूं 10, कितना दे रहा हूं 10, क्या बन जाएगा सर्कल मेरा इनके बीच में? मे बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल। ओके, एंटर मारता हूं, बट ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? बिकॉज यह तो ज्यादा शॉर्ट डिस्टेंस होगी। हाँ, एक मिनट रामेश, एक मिनट अमित, क्यों नहीं बना सर? वो दोनों के बीच की दूरी ज्यादा होगी। वेरी गुड सुजीत। यस सर, बताइए क्यों नहीं बना सर? दूरी ज्यादा हो गई इसलिए नहीं बन पाया। ओके जावेद। यस सर, डिस्टेंस हो गई। तो सर सही कह रहे हैं ये। जायसवाल, सही बात है? चलिए ओके, तो अब हमें उसका रेडियस बढ़ाना ही पड़ेगा। फर्स्ट टेंजेंट दे दो, सेकंड टेंजेंट दे दो, और इस बार रेडियस दे देता हूं मैं 5050। तो देखिए मेरा टेंजेंट बन गया। yes, तो इसमें ये भी हमें ध्यान रखने वाली चीज है, राइट? yes, चलिए। तो ये था आपका TTR मेथड। किसी को कोई डाउट इसमें? no, sir. ओके, तो देखिए आप इरेज करने के लिए क्या करते हैं? मैं उसको सिलेक्ट करता हूं और डिलीट का बटन दबा देता हूं। अब अगला पॉइंट आता है आपका TTT। क्या आता है? TTT यानी कि टेंजेंट, टेंजेंट और टेंजेंट, यानी कि आपको कितनी टेंजेंट चाहिए यहाँ पे? तीन। इसमें ना तो हमें कोई रेडियस देने की जरूरत है और ना ही कोई डायमीटर, राइट? तो ये देखिए हमारे yes, पास तीन ट्रायंगल है, तीन साइड का ट्रायंगल है। इसमें मुझे इन लाइनों से टच करते हुए सर्कल बनाना है, इनर सर्कल। हाँ, इन तीनों से लाइनों से टच करते हुए। तो क्या मेरा थ्री पॉइंट मेथड से बना सकता हूँ? यस सर, जीपी से बन जाएगा? नहीं सर, मुश्किल है, नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो टेंजेंट बनेंगे कहाँ पे, कौन सा पॉइंट कहाँ पे आएगा टेंजेंट के लिए। yes, तो इसलिए हमारे पास क्या रहता है, 10 10 10, और तीनों लाइंस पे क्लिक कर दो 1 by 1 कहीं पे भी, तो ऑटोमेटिकली देखो टच करते हुए सर्कल बन गया। yes, अच्छा ठीक है, अब देखो एम के बीच की कंडीशन लेते हैं। इन तीनों सर्कल्स पे क्लिक कर दो, तो देखिए तीनों से टच करते हुए सर्कल बन गया। ये तो अंदर की तरफ बना है। अगर आपको इन तीनों सर्कल्स से बाहर की तरफ बनाना होता तो इन सर्कल्स के बाहर की तरफ क्लिक करते आप इस तरह से। तो अब ये देखो बाहर की तरफ से सर्कल टेंजेंट बना। तो ये कंडीशंस होती हैं सर्कल बनाने की कुछ। इन छह हमने कितने मेथड पढ़ लिए, 6? Yes, sir. तो आपको इनके बाहर कोई भी एक भी पॉइंट नहीं आएगा, कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं आएगी कि आपको ये लगे कि मैं सर्कल कैसे बनाऊं। इन छह क्वेश्चन। हाँ बोलो। जैसे कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटरल है तो उसका हमें आउटर सर्कल खींचना है, जैसे कि तो वो कैसे खींच पाएंगे सर, आउटर और इनर सर्कल? देखो क्वाड्रिलेटरल पहले तो ये डिपेंड करता है वो कितने साइड का ले रहे हो आप, चार का ले रहे हो? हाँ सर, क्वाड्रिलेटरल चार का ही है। आपको उसकी साइड्स पता है? सर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो नॉर्मली, जिसमें कि कोई भी साइड स्पेसिफाई, कुछ साइड मतलब साइड स्पेसिफाई हो या ना हो उससे। अच्छा, कोई भी रेक्टेंगल रेक्टेंगल बना के उसके चारों पॉइंट पर होते हुए सर? नहीं देखो एक्चुअली होता क्या है वो सिर्फ, यस तो सर आपने सही कहा, क्योंकि देखो हमारी कंडीशन तीन लाइन के साथ है,
तो तीनों को तो आप टच करा दोगे, लेकिन चौथी को कैसे स्पेसिफाई करोगे कि ये टेंजेंट ही है? मान लो कि आपने, चलो ये ऐसे करके बनाया, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, वही तो मैं बता रहा हूँ, ये भी तो एक क्वाड्रिलेटरल ही है। आप तीनों पॉइंट पे क्लिक कर दो ऐसे करके, तो देखो यहाँ की जिसकी जो रेडियस है उतना ही तो आएगा, इस लाइन से कैसे टच कराओगे? ये आउटर सर्कल बन सकता है इन चारों पॉइंट को लेके, बाहर से सर्कल बन सकता है? नहीं बनेगा भाई, उसके लिए कंडीशन क्या है सुनो, उसके लिए कंडीशन यही है, उसकी जित क्वाड्रिलेटरल में सारी की सारी साइड्स बराबर होनी चाहिए आपकी, यानी एक स्क्वायर होना चाहिए। यस, स्क्वायर होना चाहिए, या पेंटागन भी है, या हेक्सागन भी है, या कोई अदर भी है, तो उसकी तीनों साइड क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है, वरना नहीं पॉसिबल है। ठीक है जी सर। तो ये हमारे पास थे सर्कल के मेथड्स, आई थिंक सबको समझ में भी आ गए होंगे सर। लेकिन एक बात होती है हमको, सर आप जो बता रहे बोलो कि सर चारों साइड इक्वल होना चाहिए तभी सर्कल बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। आप बोलो सर कोई एक सर्कल बना के उसके अंदर रेक्टेंगल हम लोग नहीं बना सकते हैं? सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? और चारों कॉर्नर उसको मतलब टच करते हुए सर्कल को, बिल्कुल तो स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट नहीं, स्क्वायर नहीं बनेगा, वो तो कोई भी बन जाएगा, कुछ भी बना सकते हैं, क्वाड्रेटरल ही हो जाएगा उसमें भाई। उसकी जो लेंथ विड्थ है आपके डायमीटर से छोटी ही होंगी ना? रेक्टेंगल होगा तो क्यों नहीं बनेगा सर फिर? अरे सर जी मेरी बात नहीं समझे आप, इंटरनल बन पाएगा, एक्सटर्नल तो बन जाएगा। आपने कहा कि मैं यहाँ से लेकर के इनके तीनों पॉइंटों से लेकर जाना हो, देखो आप यहाँ से 3P यूज करो, फर्स्ट पॉइंट आपने यहाँ दे दिया, सेकंड पॉइंट ये, और थर्ड पॉइंट आपका ये, तो सारों कोनो पॉइंटों से होते हुए तो फिर भी जा रहा है वो, लेकिन ये क्या है, आउटसाइड बन रहा है ना, इनर तो नहीं बना सकते हो ना आप? यस सर। हेलो, बात तो को समझो कि आपने कहा था कि हमें सर्कल अंदर बनाना है, अंदर अंदर नहीं बन सकता है किसी भी कंडीशन में, अंदर तभी बनेगा जब उसकी चारों साइड है बराबर। ठीक है, तो आई थिंक रेक्टेंगल आपको सर्कल क्लियर हो गया होगा। अब अगली कमांड आती है आपकी रेक्टेंगल। यस सर। बुक कर दो सिलेंडर। यस सर, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल उसको चतुर्भुज कहते हैं हम लोग। यस सर। और जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, और इसकी शॉर्टकट की होती है हमारे पास REC, क्या होती है REC? हाँ। और हमारे पास सबसे पहला मेथड आता है इसका, टू कॉर्नर पॉइंट मेथड। कौन सा आता है? टू कॉर्नर पॉइंट मेथड। टू कॉर्नर पॉइंट, टू कॉर्नर पॉइंट के लिए हमें स्पेसिफाई कौन से टू कॉर्नर पॉइंट लेने पड़ेंगे? सर डायगोनल वाला, डायगोनल का सर। वेरी गुड, हम उसके डायगोनली पॉइंट लेंगे, यानी कि अपोजिट कॉर्नर्स। ठीक है, आप यहां से रेक्टेंगल लो और बोल रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, राइट? आप फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्लिक कर दो, और देखिए अब आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई द अदर कॉर्नर पॉइंट। अगर आप इसमें डिस्टेंस भी देते हो 25, तो ये 25 डिस्टेंस किसका होगा? आपके डायमीटर का, यहाँ से लेकर के यहाँ डायगोनल का, डायगोनल, बिल्कुल बिल्कुल डायगोनल। और इसमें अगर आप कोऑर्डिनेट मेथड यूज करना चाहते हो उसके लिए, ठीक है, तो आप यहाँ से पहले REC एंटर करेंगे, या वहां से एक्टिवेट कर लो, बात एक ही है, कहीं से भी कर लो। और फर्स्ट पॉइंट क्या देंगे इसमें? 0.0। हाँ, अब मुझे ये बता, इसके डायगोनल के लिए मैं क्या पॉइंट दे सकता हूँ? और मुझे इसकी लेंथ, मुझे इसकी लेंथ चाहिए 30 और विड्थ चाहिए 20। कैसे देंगे भाई? क्या दे देंगे? 30.20। अगर मान लो ये 0.0 पे नहीं होता तो
0.0 पर नहीं होता था सर उन लोग का, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से उनका डिस्टेंस निकाल के हम लोग कर लेते हैं। सो वैसे शाम हो जाती है फिर ऑटोकैड का मतलब ही क्या रह जाएगा सर यदि इतना कैलकुलेट करेंगे तो। बिल्कुल, तो मैंने आपको एक मेथड पढ़ाया था कल, रिलेटिव कोऑर्डिनेट। आपको एट द रेट लगाना है और एक वैल्यू दे दो, ये फर्स्ट वाली किसकी हो जाएगी एक्स की यानी कि लेंथ, और दूसरी वाली किसकी हो जाएगी आपकी विड्थ की, और एंटर मार दो। तो देखो ये बन गया आपका 45/30 का। यस सर। तो इसमें आप रिलेटिव कोऑर्डिनेट का भी इस तरह से यूज कर सकते हो। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड, ठीक है, रेक्टेंगल का। दूसरा मेथड होता है इसमें आपका, इस मेथड का नाम क्या था, टू कॉर्नर पॉइंट मेथड। अब मेथड आता है आपका एरिया मेथड, ठीक है। आप जैसे ही आपने रेक्टेंगल लिया तो फिर से आपको फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तभी आपके पास में ये ऑप्शंस आएंगे एरिया, डायमेंशन और रोटेशन का। रेक्टेंगल लेने के बाद में आपको सीधे फर्स्ट पॉइंट देना है ताकि ये आपके पास ऑप्शन आ जाए एरिया वाला। अब आपको देखो अदर कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई नहीं करना है, आपको क्या टाइप करना है, ए फॉर एरिया। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको अपने रेक्टेंगल का कितना एरिया चाहिए, कितना दे दूं, 600 दे दूं, yes, 600 दे दिया। और अब आपसे पूछ रहा है क्या, कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन लेंथ और विड्थ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल एन टू बी। यस, एरिया मैं दे चुका हूं पहले से ही। अब मेरे पास एल या बी में से कोई एक चीज डालनी है, 30 दे सकते हैं, 30 राजेश, नहीं नहीं लेंथ डालिए 30, तो उसको बताना पड़ेगा कि मैं लेंथ देना चाहता हूं 30। हो सकता है कि आप चलो लेंथ देना चाहते हो लेकिन मैं विड्थ देना चाहता हूं, तो लैपटॉप कैसे समझेगा कि भाई मुझे लेंथ दी है या विड्थ दी है। LAW एंटर करना पड़ेगा। यस रामेश्वर, या तो लेंथ अगर मुझे देनी है तो मुझे L टाइप करना पड़ेगा, और विड्थ देनी है तो उसके लिए मुझे W करना पड़ेगा। तो अगर आप लेंथ देना चाहते हो तो आपको L टाइप करके एंटर करना पड़ेगा। फिर आपसे पूछ रहा है एंटर द लेंथ। अब यहाँ पे लेंथ की वैल्यू दे दो, जैसे आपको 30 देनी है 30 दे दो, बन के आ गया आपका। तो इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ से 30 है। एरिया कितना है इसका, 600। एरिया 600। तो विड्थ कितनी, विड्थ कितनी हो जाएगी, 20। तो ये इस तरह से आपका रेक्टेंगल बनता है बाय एरिया मेथड, ठीक है। अगला मेथड इसमें होता है आपका बाय डायमेंशन मेथड। कौन सा, डायमेंशन मेथड। डायमेंशन मेथड, डायमेंशन मेथड के लिए फिर से आपको आर ई सी एंटर करना पड़ेगा और फर्स्ट पॉइंट देना पड़ेगा, और डायमेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा, डी एंटर। इसमें क्या है, बड़ा इजी है, जैसे ही आप डी एंटर करोगे सबसे पहले पूछेगा स्पेसिफाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो आप लेंथ दे दो 35, फिर आपसे पूछेगा स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ दे दो और एंटर मार दो। तो देखो ये रेक्टेंगल बन गया, लेकिन अभी ये फिक्स नहीं है, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है उसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, इसलिए जहां पे भी आपको चाहिए वहां इसको ले जा करके क्लिक कर दो, तो वो फिक्स हो जाएगा आपका। तो ये था आपका कौन सा, डायमेंशन मेथड। डायमेंशन मेथड का डायमेंशन मेथड के लिए सबसे पहले आपको आर ई सी एंटर करना पड़ेगा और स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दो और डायमेंशन के लिए डी एंटर कर दो। फिर आपसे, यस राज, कुछ कह रहे हो, लेंथ के लिए आप इसमें लेंथ वैल्यू डाल दो और विड्थ के लिए आप विड्थ वैल्यू डाल दो और एंटर मार क्लिक कर दो। ये रहता है आपका रेक्टेंगल, राइट। रोटेशन में बता रहे थे मुझे, भाई रोटेशन बताने जा रहा हूँ, बताने तो
अब आता है आपका रोटेशन मेथड। अभी आपने अगर देखा हो तो सारे के सारे आपके रेक्टेंगल सीधे के सीधे बन रहे हैं जीरो एंगल पे। इसके अलावा किसी भी एंगल पे अगर आपको बनाना है तो आपको रेक्टेंगल लेना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट देना पड़ेगा और रोटेशन के लिए आर एंटर करना पड़ेगा। अब देखो आपसे पूछा है स्पेसिफाई द रोटेशन एंगल, रोटेशन की वैल्यू दे दोगे आपको कितने एंगल पर रोटेशन करना है, 60 दे दी मैंने और एंटर कर दिया। तो देखिए मेरी लेंथ जो है वो 60 डिग्री पर रोटेट हो गई राइट, लेकिन मेरा अभी रेक्टेंगल बना नहीं है। बनाने के लिए मेरे पास कौन से ऑप्शन है, टू कॉर्नर पॉइंट, एरिया मेथड और डायमेंशन मेथड। आप इन तीनों में से कोई सा भी यहाँ पे ले सकते हो। देखो टू कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, क्लिक कर दो तो टू कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा। अगर आपको एरिया लेना है तो आपको ए एंटर करना पड़ेगा, अगर डायमेंशन लेना है तो आपको डी एंटर करना पड़ेगा। तो रोटेशन करने के बाद में आप कोई सा भी मेथड इनमें से यूज कर सकते हो राइट। यस सर। तो कर दूं डायमेंशन से बना देता हूँ, डी एंटर किया वैल्यू दे दी मैंने, तो देखिए आपका ये रोटेशन पे बन गया आपका। तो हॉरिजॉन्टल से अगर आप देखोगे इसका एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री जो कि हमने वहां पे स्पेसिफाई किया था राइट। तो ये थे आपके आज के मेथड सर्कल और रेक्टेंगल। अब आप सभी से